सब्सक्राइब कीजिए साहिल जैन बिना मार्बल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट मार्बल की वीडियोस देखने के लिए। आप लोग घर बनाते समय, फ्लोरिंग बनाते समय आप सभी लोगों के एक मन में कंफ्यूजन तो होता ही होगा कि जब फ्लोरिंग का टाइम आता है कि बहुत बहुत नहीं 100% लोग कंफ्यूज होते हैं कि मार्बल लगाए या टाइल लगाए। इन दो चीज में तो इतना बड़ा कंफ्यूजन रहता है। आज मैं कंफ्यूजन आपको दूर करने वाला हूँ। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, आपको स्लाइडर में लिंक मिल जाएगा, डिफरेंस बिटवीन मार्बलिंग ग्रेनाइट। उसमें भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया था, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उसको कम से कम 20 दिनों में 1.5 लाख लोगों ने उसको देख चुके हैं और उसमें हर लोग सेटिस्फाई हुए हैं। तो ये आज का मेरा वीडियो भी यही है कि आप लोगों को सेटिस्फाई कर पाऊंगा कि भाई घर में मार्बल लगाए या टाइल लगाए, टाइल लगाए तो क्यों लगाए, मार्बल लगाए तो क्यों लगाए। मैं साहिल जैन, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखो आप लोगों को इसे पता ही है कि स्ट्रॉन्गनेस मैं को कहने की जरूरत नहीं है। अगर घर में लगाओ तो मार्बल लगाओ, और क्यों लगाओ मैं भी उसको आपका रीजन बताऊंगा कि मैं मार्बल क्यों लगाना चाहिए, टाइल क्यों लगाना चाहिए। सबसे पहले मैं दोनों में कॉमन और डिफरेंट चीज में सब आपको एक साथ बताने वाला हूँ कि दोनों में डिफरेंस किया, दोनों में कॉमन किया है। लोग घर में आजकल 50% लोग टाइल लगाने लगे, उसका रीजन क्या है मुझे वो अच्छे से पता है। क्योंकि वो लोग क्या सोचते हैं कि टाइल बहुत सस्ता आता है और टाइल आज फिटिंग किया 2 दिन में रहने लग, जो जल्दबाजी में मतलब जो भी है वो काम हो जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी सोच बिल्कुल गलत है कि टाइल सस्ती आती है, मार्बल महंगा आता है। मैं इन दोनों की आपको रेट बताता हूँ कि अगर आप मार्केट में मार्बल लेने जाओ तो मार्बल 15 रुपये से लेके मतलब 15-20 रुपये में, जो नहीं मकान का मार्बल, मैं सारे मार्बल की बात करता हूँ, 15-20 रुपये से लेके और ऊपर में कितना जाओ उसकी कोई लिमिट नहीं है। और अगर आप उसके लिए टाइल भी लेने जाओगे तो वो भी आपको 20-25 रुपये से कम टाइल नहीं मिलेगा। पता नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मार्बल और टाइल में एक से डिफरेंस है। लोग टाइल को इसलिए चूज करते हैं क्योंकि जैसे मार्बल है, मार्बल अगर आएगा वो सोचते हैं कि फिटिंग होगा, फिटिंग होने के बाद घिसाई होगा, घिसाई सब चीज होने के बाद बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 1-2 महीना लग जाएगा, बहुत महंगा पड़ेगा। कोई भी महंगा नहीं पड़ेगा, चाहे आप टाइल लेके आओ चाहे मार्बल लेके आओ, उन दोनों में एक डिफरेंस के लिए एक चीज का होगा। हाँ, आपके जो मिस्त्री है अगर वो मार्बल फिटिंग करने के 20 रुपये लेता है तो टाइल फिटिंग करने के 15 रुपये ले लेगा, 5 रुपये का फर्क पड़ेगा। अगर आप घर में 3,000 स्क्वायर फीट माल लग रहा है तो 15,000 रुपये में आप कौन सा पैसे वाले बन जाओगे भाई। घर हर लोग अपना अपना ड्रीम होता है, घर बार बार नहीं बनता है। फ्लोरिंग ऐसी चीज है आप चाह के भी कभी चेंज नहीं कर सकते। इसलिए मेरे कहने का यही है, मेरा आज वीडियो बनाने का यही रीजन है कि आप टाइल की जगह मार्बल यूज कर सकते हो। और टाइल तो वैसे बाथरूम के लिए इनके लिए बनी है, आजकल अलग ही ट्रेंड चला दिया नीचे में बनाने का, इटालियन पैटर्न में या कुछ और पैटर्न में। टाइल की एक मैं आपको माइनस पॉइंट बता दूं, अगर आपने टाइल फिटिंग की, फिटिंग करने के बाद घर में देखो कुछ ना कुछ सामान गिरे बिना रहता नहीं है। कल को कुछ वेट वाली चीज हुआ, कुछ भी हुआ, नीचे गिर गया और टाइल वहां से क्रैक हो गई। मैं जो जो चीज आपको बता दूं तो वीडियो में पीछे आपको बैक स्क्रीन भी चलती रहेगी, आप अच्छे से समझ पाओगे। अगर टाइल कल को क्रैक हो गई, क्रैक होने के बाद चलो आपके पास एक दो टाइल एक्स्ट्रा है तब तो आपके पास कोई ठीक है, कोई नहीं है आप उसको लगा दोगे। अगर कल को एक्स्ट्रा नहीं है और टाइल अगर आप मार्केट में लेने गए तो वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि टाइल एक कपड़े की तरह है, उसका फैशन सीजन के अकॉर्डिंग चलता है। मतलब जो आज टाइल मिलती है वो आपको एक साल बाद कभी नहीं मिलेगी। आज टाइल का कलर कुछ हो रहा है, कल कुछ हो रहा है, सेम चीज आपको कभी नहीं मिलेगी। अगर वापस आप उस जगह दूसरी चीज लगाओगे तो आपको पता लगेगा। तो यही चीज अगर आप मार्बल लगाओगे तो आपका वेट वाली चीज कुछ भी गिर जाए कभी मार्बल क्रैक नहीं होगा। अगर बाई लक कोई भारी, कोई और ज्यादा वेट में कोई चीज भी भारी वजन में हुई, अगर वो गिर गई, गिरने के बाद अगर मार्बल आपका क्रैक हो गया तो उसके अंदर उसके पास व्हाइट सीमेंट डाल के और जिस कलर का मार्बल है वो कलर डाल के फिल करके उसमें अगर आप रीपॉलिश करवा दोगे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। मतलब टाइल लोग मानते हैं कि सस्ता है, फिर मैं आपको बता दूं घर बनने के बाद अगर आपको कल को कोई बोलते 2-3 साल बाद कि आपका घर को नया बनाया, आपने कंप्लीट किया है, कंप्लीट होने के बाद 3 साल बाद आपको बोलते कि फ्लोरिंग चेंज करना है तो आप कर लोगे क्या भाई? इतना पैसा इतना टाइम किसी के पास फालतू नहीं है, क्योंकि 2-3 साल बाद आपको भी ये देखना जो सेरेमिक टाइल घर में लगा रखे हैं उनके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जैसे जैसे पानी गिरेगा, जैसे जैसे उस पर सफाई होगी तो उस पर जो पॉलिश है ना वो उतर जाएगी, वो रफ हो जाएगा। मैं भी आपको बता देता हूँ कि उसका ये तो कोई है टाइल,
इसके अंदर ये जो पॉलिश है, ये मतलब एक सूत भी पॉलिश नहीं है इसके ऊपर। ये देखिए इतना सा पॉलिश है, अगर धीरे धीरे ये उतर गया तो आपका इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इसकी थिकनेस भी देखो, ये टूटने का रीजन क्या है, ये 7 से 8 mm आता है, मार्बल का आधा आता है, क्योंकि नेचुरल चीज नेचुरल है, ये तो बनाई हुई है, बनाई हुई चीज कब तक चलेगी। नीचे तो पूरा मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर केमिकल लगा के उसको पॉलिश वगैरह किया हुआ है, ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला। अब मैं आपको, अब ये देखिए इसकी थिकनेस देखिए, ये है मार्बल। हाँ, अगर आपका बजट नहीं है, आप सोचते हो कि मार्बल अच्छा लेना है तो 70 रुपए 80 रुपए तक जाना पड़ेगा, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आप मेरे बैक स्क्रीन पे एक चीज देखिए, अगर आप मार्बल यूज नहीं करते हो, आप लोग सोचते हो कि मैं नहीं यार बहुत महंगा है, हम लोग यूज नहीं कर सकते, बजट के बाहर है, क्योंकि मार्बल अलग अलग रेंज का आता है, ये बात मैं आपको भी समझता हूँ। बट आप सेरेमिक टाइल लगाते हो, उससे बढ़िया मार्बल की सस्ती वाली टाइल लगा सकते हो। जो स्लेब 500 रुपए आता है उसकी टाइल 100 रुपए में मिल जाएगी, जो जिसका स्लेब 100 रुपए का आता है उसकी टाइल 30 रुपए में मिल जाएगी, जो स्लेब 70 रुपए में आता है उसकी टाइल आपको 15-20 रुपए में मिल जाएगी। आप मेरे पीछे बैक स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं टाइल की आपको एक से डिजाइन दिखाऊंगा मार्बल की। मार्बल में भी कोई लिमिटेड कलर नहीं आता, मतलब कलर बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, डिजाइन भी बहुत अच्छी अच्छी आती है उनको। आपको अगर अच्छा गेटअप देना है तो आप बॉर्डर दे सकते हो, कहीं डब्बी दे सकते हो, कहीं कुछ ग्लास वगैरह दे सकते हो, कितना मतलब आप देख रहे हो रखने के बाद कितना बेटर लगेगा। तो ये है कि मार्बल आप लगाने के बाद आपको कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। टाइल लगाओगे तो आपको हर 3 साल 4 साल में टाइल चेंज करना पड़ेगा। 3 साल में टाइल चेंज करोगे उतना ही पैसा लगेगा, उससे बेटर है एक ही बार में, अगर आपका बजट बिगड़ता है, क्योंकि मकान जब खड़ा होता है तो मार्बल लास्ट में आता है तो सबका बजट डाउन हो जाता है। अगर आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा रहा है, क्योंकि जल्दी नहीं है हर किसी का पैसा फालतू का बढ़ा हुआ, बिजनेस भी करते हो लोग, अगर आपका बजट गड़बड़ा रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि 1 महीना 2 महीना काम दे दो। तो भाई रोकने से इतना है नहीं कि अपने 1-2 महीने में अपन बोल देंगे, पर काम अच्छा करो, क्योंकि मुझे पता है कि हर, मुझे भी पता है आपको भी पता है कि हर आदमी का एक ड्रीम होता है, एक तो मकान बनाना, एक अपने बच्चों बच्चे की शादी करना, सबसे मेन मतलब यही, इसी के लिए उसके फादर जो भी है, अपने पापा लोग है, वो इसी चीज के लिए पैसा कमाते हैं कि मेरे बेटे को अच्छा घर बना के दूं, जो अच्छी लाइफ जी सके, अच्छा उसमें हर चीज अच्छी हो सके, फर्नीचर वगैरह मार्बल वगैरह। आपके पास अगर 5 साल बाद और पैसा हो जाएगा तो आप फर्नीचर चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, लाइटिंग चेंज कर सकते हो, जो पर्दे वगैरह होते हैं पर्दे वो चेंज कर सकते हो, सोफा चेंज कर सकते हो, हर चीज किचन में अगर कुछ नई चीज नई फैशन आ रही है तो वो चीज चेंज कर सकते हो। बट मार्बल आपको चेंज करने के लिए पूरा घर चेंज करना पड़ेगा, या तो आपको पूरा घर खाली करना पड़ेगा या पूरा घर ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मार्बल वापस फिटिंग करने का मतलब है कि वापस वही फिटिंग होना, वापस पूरी कलर खराब होना, मार्बल चेंज करने का फर्नीचर खराब होना, हर चीज खराब होती है। तो मेरा यही कहना है कि घर में टाइल की जगह आप मार्बल लगाओ, टाइल को भी यूज कीजिए, टाइल को एलिवेशन में यूज कीजिए, किचन के ऊपर जो आपके टॉप के ऊपर डिजाइन लगती है उसके ऊपर यूज कीजिए, बाथरूम में यूज कीजिए, जहां यूज करने लायक है वहां कीजिए ना, अपन कल को आप ये चेंज भी कर सकते हैं। जो मेन अपनी जो फ्लोरिंग है, उस जो अपनी मकान की जान है, उसको तो खराब मत करो। मेरे आज वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि आप टाइल और मार्बल में से मार्बल को चूज कीजिए, कोई मार्बल महंगा नहीं पड़ता, 10-15 हज़ार रुपए के चक्कर में आप अपना डिसीजन गलत मत लीजिए। और मेरा तो क्या कहना है, वो आपकी चॉइस है, घर में आपको रहना है कि आप कौन सा मार्बल फिटिंग करो, कौन सा नहीं करो, कौन सी टाइल लगाओ। बस मेरा तो यही वीडियो में समझाने का मेन था कि भाई घर में टाइल के मार्बल यूज करो, और फिर भी अगर आपको कोई और कुछ पूछना हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे चैनल को कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकता है, तो प्लीज बहुत बहुत धन्यवाद। Bina Marble Industries exclusive showroom of Makrana Marble at Kishangarh Road, Rupangarh, Ajmer.